त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले, देखो ये जब कृष्ण वचन करने के लिए जाते थे, जब तक वो कृष्ण नहीं चलेंगे प्रभु जी वहां पर ज्यादा मत करो, जो करना करके इसलिए जैसे कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते थे, उसी समय में सवेरे होते ही कृष्ण के जितने ग्वाल बाल हैं, जितने गैया हैं, सबके सब आ जाते थे, सबके सब इंतजार करते थे कृष्ण कब उठ करके गोचारण करने के लिए जाएंगे। जब कृष्ण नहीं चाहे तो मतलब जाएगा सबके सब कृष्ण को, और जितने जंगल का मयूर हिरण और जितने हैं सब पपीहा सबके सब कृष्ण जब आते थे गोचारण करते समय, कृष्ण को साथ में सबके सब कृष्ण को साथ में आते थे, और आसपास में झाड़ियों में वो सबके सब छुप जाते थे, फिर कृष्ण वो लाइट जल रहा है। इसलिए कृष्ण क्या कर, तुम लोग इतने सारे लोग क्या क्या चक्कर, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे बंद कर दी, बंद कर दी, हो गया चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, हाँ जैसे अब चुपचाप बैठ सो। इसलिए कृष्ण सवेरे जब फिर चलते थे गोचारण करने के लिए, फिर कृष्ण को साथ में जितने पशु पक्षी सबके सब गोवस्थ सबके सब कृष्ण को साथ में चलते थे। इसी तरह से त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले, बोले महाराज जी आप तो कन्हैया हो, जब तक आप नहीं जाओगे ना ये जितने यात्री कोई नहीं जाने वाले हैं, हैं जैसे कन्हैया जाने पर उनको साथ में सबके सब चलते थे, उसी तरह आप भी जब नहीं जाओगे इस सब के सब हाँ भक्त लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये परिक्रमा पाथी को लीड कोई नहीं कर सकते, कोई किसका बात कोई सुनने वाले नहीं, तो बोला आप ही कर सकते हो। फिर गुरुदेव ने इतने अस्वस्थ रहने पर भी गुरुदेव ने जब गए पास सबके सब निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, सबके सब गुरु जी को साथ में परिक्रमा में चल पड़े। इसलिए महाराज जी कठोर परिश्रम करते हुए परिक्रमा पाठी को लीड करते थे। और जो परिक्रमा में क्या होता था पहले, जैसे अभी परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा में कोई रिक्शा में चले जाते थे, आते समय ब्रह्मचारी सन्यासी रिक्शा में बैठ करके चले जाते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, सबके सब पैदल में चलते थे और आते समय पैदल में भी आते थे। लेकिन जो सबसे जो बड़ी परिक्रमा है नवद्वीप परिक्रमा किसने किया है, कौन कौन किया है, हाथ उठा कौन कौन किया है, वाह तुम कर सकते, इसलिए तुम कर सकते। इसलिए जो नवद्वीप परिक्रमा में सबसे जो लंबी परिक्रमा है कहते श्री नृसिंहतला, नृसिंहतला की परिक्रमा सबसे लंबी है, वो भी जाते समय भी लंबी और आते समय तो लोग पूरा थक जाते हैं, लोग पूरा थक जाते थे। और वहां से जब आते थे पता नहीं 6-7 किलोमीटर पर चल करके वहां से आना है, कितना किलोमीटर चल करके आना, और आते समय लोग सबके सब थक जाते थे। लेकिन गुरुदेव भी उस समय भी गुरुदेव भी चल चल करके, जब हम पहले परिक्रमा किया गुरु जी को साथ में, गुरुदेव भी परिक्रमा को साथ में चलते चलते आते थे, और बीच बीच में बैठ करके हंसवान वहां पर कैसे ब्रह्मा जी कैसे कृष्ण का गोवत्स सबको कैसे हरण किया है ना, वो स्थान भी वहां पर पिछले गुरुदेव सारे कथाओं को सुनाते सुनाते गुरुदेव आते थे। जब गुरुदेव परिक्रमा को साथ में चलते चलते आते थे दोला को साथ में, इतने में कुछ ब्रह्मचारी संन्यास लोग यात्रियों ने क्या किया, बस वो बड़ा दूर पड़ता है चढ़ गए काम पर बस में, कोई बस का ऊपर में कोई अंदर में चढ़ गए और बस आ रहा था, गुरुदेव इतने में दूर से देख लिया कुछ ब्रह्मचारी संन्यास छत के ऊपर बैठे हुए और गाड़ी में बैठे हुए, गुरुदेव ने बस को रुकवा दिया है, तो बस को यहाँ पर रुको। गुरुदेव का जो डंडा था ना वो डंडा का काम करता था, उनका जो त्रिदंड सन्यासी डंडा वो डंडा का काम करता था, गुरुदेव बस को ऊपर चढ़कर ऐसे पिटाई करने लगे जैसे बंदर जैसे छलांग लगाते ना, सबके सब छत के ऊपर से वो इधर से उधर से सबके सब छलांग लगा करके भागने लगे, सबके सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हैं, सबके सब सन्यासी। फिर दुला को साथ में महाप्रभु को साथ में कीर्तन करते 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 सबके सब कीर्तन करते करते फिर वहां से आए। इसलिए गुरुदेव जो परिक्रमा करते थे
हैं वो देखने का लायक। और गुरुदेव ऐसे हरि कथा बोलते थे ना, ऐसे हरि कथा गुरुदेव बोलते थे, इतने उत्साहित करते थे जिसको सुन करके मरे व्यक्ति की चिंता थी। गुरुदेव बोलते देखो जो धाम है ये धाम महाप्रभु अभिर्न के धाम है, महाप्रभु अभिर्न के धाम है। अगर इसमें कोई परिक्रमा करेगा, जैसे धूप पड़ रहा है, जो परिक्रमा करेगा महाप्रभु सारे कष्टों को देख लेंगे ना। जब तक कष्ट नहीं करेंगे तब तक कृष्ण नहीं मिलता, कष्ट करेंगे तो कृष्ण फिर मिलेंगे हैं। इसलिए महाप्रभु जब देखेंगे मेरी परिक्रमा जो धाम है अभिर्न है ये पाद सेवा, जो न तरह का भक्तियों में जो पाद सेवनाख्या जो भक्ति है, कहते परिक्रमा ही पाद सेवनाख्या भक्ति। इसलिए जो लोग परिक्रमा करते हैं उनका पाद सेवनाख्या भक्ति ही जाजन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जब कष्टों को देखेंगे, देखो इतने कष्ट इतने धूप में भी चल करके आते हैं, तो महाप्रभु हृदय से फिर सबको भर में आशीर्वाद, सबको हृदय से कृपा करते हैं महाप्रभु। इसलिए गुरुदेव इतने अच्छी अच्छी गुरुदेव हरि कथा सुनाया करते थे जिसको सुन करके सबके सब उत्साहित होकर के हैं, सबके सब पैदल में कीर्तन को साथ में नाचते कूदते हुए सबके सब गुरु जी को साथ में कीर्तन करते थे। इसलिए कहते जो गुरुदेव एक स्थान है नवद्वीप परिक्रमा में, एक स्थान है हाँ, एक स्थान है परिक्रमा में जिसका नाम है समुद्रगढ़। समुद्रगढ़ में जब वहाँ पर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज रहते थे, वहीं पर जाकर के हमारे तुरंत नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, जैसे वहाँ पर दो पार्टी हो जाता था। श्री त्रिविक्रम महाराज कहते वो पार्ट लेते थे, साइड लेते थे भीमसेन का साइड, और हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये समुद्र सेन का पाठ पक्ष लेते थे। और ये दोनों के अंदर में बड़े शास्त्रार्थ होता था। एक तरफ त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोलते थे हाँ भीमसेन सर्वश्रेष्ठ है, हैं भीमसेन कृष्ण का परिकर, ये सर्वश्रेष्ठ श्री भीमसेन है। और हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कहते ये श्री समुद्र सेन राजा कहते ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये महाप्रभु का धाम में है, उन्होंने स्वप्न में महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु इनको ऊपर में कृपा किया है, हैं और ये नवद्वीप धाम में इन्होंने जन्म लिए, इसलिए श्री समुद्र सेन राजा श्रेष्ठ है। इसलिए जब दोनों के अंदर में शास्त्रार्थ होता था हैं, उस समय जब त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जब भीमसेन का पक्ष को लेकर बोलते थे, ऐसे लगता था सचमुच से भीमसेन सर्वश्रेष्ठ है, हाँ कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा पात्र ही भीमसेन है। लेकिन महाराज जब समुद्र सेन के बारे में बताते थे, ऐसे भक्ति की तारतम्य बताते बताया करते थे कि जो पांच तरह का भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी पर, प्रेमा पर, प्रेमातुर, पांच तरह का भक्त है। और श्री समुद्र सेन राजा कौन भक्त है, कहते ये महाप्रभु का परिकर होने का नाते कहते ये ब्रजवासी है, ये नवद्वीपवासी, और नवद्वीपवासी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। और जो हनुमान हमारे श्री भीमसेन हैं कहते ये पांडव लोक है, ये पांडव लोक में ये कौन सा भक्त है, ज्ञानी शुद्ध प्रेमी प्रेमापर भक्त है, हैं ये प्रेमापर भक्त है। पर तो इनको अंदर में बड़ी शास्त्रार्थ होता था, हे भक्त लोग जिसमें हम लोग रहते थे वहाँ पर हम लोग रहते थे और सुन करके बड़ा आनंद लेते थे, बड़ा खुश होते थे, क्योंकि उसमें ये दोनों जैसे दोनों का पक्ष लेते थे, लेकर के ऐसे लगता था जैसे दोनों का लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़ा नहीं, इसको द्वारा किया होता था जो सुंदर जो भक्ति सिद्धांत तत्व रूपी जो रत्न, ये रत्न निकलता था और भक्त लोगों को सुन सुन करके बड़े प्रसन्न होते थे। भक्ति का तारतम्य कैसे है, केवल भक्त नहीं भक्तों का अंदर में भी तारतम्य है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांच तरह का रस है, पांच तरह का रस में भी तारतम्य है, ये चीज को सुनने का सौभाग्य होता था। इसलिए महाराज जी बड़े सुंदर रूप में भक्ति सिद्धांत तत्व को वहां पर स्थापन करते थे। यदि यहाँ पर कहते हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का देखो, जैसे अपना शिष्य कोई हो ना क्या होता है, उसको पालन सब कर सकते हैं, ये हमारे शिष्य है,
हैं, लेकिन ये किसी दूसरे के शिष्य हैं, उनको पालना करना बड़ा कठिन है, उनको पालना करना बड़ा कठिन। लेकिन हमारे से नारायण गोस्वामी महाराज हम इनके अंदर में दिखाई पड़ा है, भले ही कोई किसका शिष्य क्यों नहीं हो, अगर इनको शरण में कोई भी आते थे, महाराज जी अपना शिष्य पद उनको पालन करते थे। वो ये नहीं विचार करते थे वो वहां से आया, वो वहां से आया, वो सिमट का, वो उसका शिष्य, वो इसका शिष्य। महाराज देखते थे हम एक ही लाइन है, किसके लाइन, चलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का लाइन, हम एक परंपरा में, हम सब के सब एक परंपरा में आए, इसलिए हम लोग सब के सब एक ही है, हम लोग कोई अलग नहीं है, हम सब के सब एक है। इसलिए गुरुदेव दूसरे शिष्यों को जो पालन करना है ये बड़ी कठिन है, लेकिन गुरुदेव उन्होंने इसलिए कहते परंपरा दो परंपरा है, कहते एक शिष्य परंपरा और एक भागवत परंपरा है। शिष्य परंपरा किसको कहते हैं, जैसे उनका शिष्य, उनका शिष्य, उनका शिष्य, उनका शिष्य, शिष्य शिष्य। कहते भागवत परंपरा किसको कहते हैं, जो शिक्षा को मुख्य रूप में, जिन्होंने शिक्षाओं को, गुरु वर्गों का शिक्षा को जो ग्रहण किया है, हैं? इसलिए प्रभुपाद ने जो गुरु परंपरा को जितने महत्व प्रभुपाद ने दिया, लेकिन प्रभुपाद ने जो भागवत परंपरा को ज्यादा महत्व प्रभुपाद ने दिया भागवत परंपरा को, क्योंकि कहते श्री गौर किशोर दास, श्री भक्ति विनोद ठाकुर है, कहते गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनसे दीक्षा मंत्र नहीं ग्रहण किया, केवल उनने शिक्षा प्राप्त की है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्त विनोद ठाकुर, उनसे दीक्षा मंत्र नहीं लिया, उनसे केवल उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन हमारे पर भी हमारे गुरु परंपरा में है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्त विनोद ठाकुर, गौर किशोर प्रभुपाद, ये सब सब एक लाइन में, क्योंकि उन लोगों ने जो शिक्षा जो चीज है, कभी कभी क्या होता है शिष्य तो हो गए, गुरु जी का शिष्य हो गए, लेकिन वो शिष्य होने पर भी कभी कभी क्या होता है उनका शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, नाम से तो दीक्षा मंत्र ले लिया, लेकिन उनका जो लाइन में, जो परंपरा में जो शुद्ध लाइन है, वो चीज को ग्रहण नहीं कर पाते, केवल दीक्षा मंत्र ले लेते, लेकिन कभी कभी क्या होता है दीक्षा मंत्र नहीं लेने पर भी, लेकिन संपूर्ण उनका जो भक्ति की जो धारा है, जो लाइन है, जो शिक्षा है, कोई कोई पूरा वो शिक्षा को अपने जीवन में उतारते, इसलिए प्रभुपाद ने उसको उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा महत्व दिया, केवल शिष्य होने पर थोड़ी हो गया, शिष्य होने पर शिष्य मतलब क्या है, गुरु जी का शासन को स्वीकार करते हुए उनके उपदेश को, आचरण को, शिक्षा को जो ठीक ठीक रूप में अपना जीवन में उतारना चाहिए, तब तो शिष्य है ना, केवल मंत्र लेने से, कानों में फूंक देने से शिष्य नहीं होते हैं, जब तक उनकी शिक्षा को हम अपना जीवन में सही सही रूप में हम अपना जीवन में नहीं उतारते हैं। इसलिए महाराज के अंदर में ये विशेष चीज था, कोई भी इनके श्री चरण में आया तो इन्होंने सबको अपना शिष्य हो अक्सर करके महाराज के जीवन में दिखाई पड़ता है, अक्सर करके इनको शरण में जो आए ये सब के सब दूसरे दूसरे के ही शिष्य है, लेकिन इन्होंने अपना शिष्य जैसे हमने उनको लालन पालन किया, भरण पोषण किया है, भरण पोषण किया, और उन्होंने उनको भक्ति धर्म की शिक्षा दी, और बाद में भी हुए लोग महापराज का जो शिक्षा को है उन्होंने अच्छे तरह से जगत में प्रचार और प्रसार किया है। और श्री महाराज जी को अंदर में है एक विशेष चीज थी, केवल क्या चीज थी, गुरुदेव सबको हरिकथा सिखाया करते थे, जैसे बदन महाराज तुमको सब हरिकथा सिखाते है ना, ऐसे ही महाराज सबको उत्साहित करके गुरुदेव सबको हरिकथा सिखाया करते थे। इसलिए मैं जब पहले आया मथुरा मठ में, मैं भी आया है, मैंने मेरे मन में बड़े उत्साह था, थोड़ा हरिकथा सीखे, हरिकथा सीखे, मैंने सुना ऐसे कौन है जो हरिकथा दूसरों को सिखाते हैं, सुना मथुरा में एक नारायण गोस्वामी महाराज हैं, ये बच्चियों को बड़े प्यार से रखते हैं और उनको हरिकथा सिखाते हैं, इसलिए मैंने महाराज जी को शरण में गया, गया तो हैं
महाराज जी सबको बड़े प्रेम पूर्वक नहीं चाहने पर भी गुरुदेव रोज रोज एक एक श्लोक गौड़ीय कंठहर की मन शिक्षा उपदेश अमृत का एक एक श्लोक गुरुदेव रोज देते थे। रोज दे करके दूसरे दिन ने गुरुदेव प्रश्न करते थे, गुरुदेव उनको पूछते थे कुछ करके। फिर जब गुरुवर का कोई तिथि आया, जैसे राधाष्टमी, अभी कल राधाष्टमी, जैसे जन्माष्टमी, प्रभुपाद का तिथि, परम गुरुदेव का तिथि, कोई भी तिथि आती थी, बस तीन चार दिन तक हरि कथा चलती थी। तीन चार दिन तक है उनके विषय पर सबको गुरुदेव आदेश देते, तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ। है जिस जो बोल भी नहीं पाएगा उनको भी गुरुदेव चांस देते थे। बोले देखो, जब हम किसको बाहर में कुछ कथा सुनाते हैं, इसका मतलब है उनका चरण में एक पुष्प हम अर्पण करते हैं। एक पुष्प कथा भाग्य रूपी जो पुष्प उनके चरण में समर्पण करना। जब हम कोशिश करें कुछ बोलने के लिए, क्या होगा, उसका अंदर में हमारा जो चिंतन है पूरा उसका अंदर में डूबा रहेगा, अपना मन को उसमें डूबो देते हैं। जैसे तुम लोग अभी गीता बोलते हो, दिन भर गीता 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 गीता, अभी दिन भर वही रखता है ना। अभी गीता महाराज पूछेंगे गीता कैसे बोलना पड़ेगा, गीता को बोल। अभी तुम्हारे दिमाग में गीता छोड़कर और कुछ नहीं आता होगा। हाँ, दिन रात सब नहीं, इसलिए दिन में भी गीता, रात को सोते समय भी स्वप्न में आता होगा गीता बोल रहे। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, जब गुरुदेव बोलते थे, हम जब किसी वैष्णव के बारे में, कृष्ण राधा रानी के बारे में जब हम लोग कोशिश करेंगे बोलने के लिए, फिर क्या होगा। जैसे मथुरा में जैसे राधाष्टमी, पांच दिन चार दिन तक केवल राधा तत्व, राधा तत्व, राधा। सब भक्त लोग अलग 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 दृष्टिकोण से सुंदर सुंदर सबके सब प्रस्तुत करते थे। 10 दिन 12 दिन पहले से ही सब प्रस्तुत करते थे, हम क्या सुनाएंगे, कहाँ पर राधा तत्व तो कहाँ पर है, वहाँ से कलेक्शन करना है, वहाँ से कलेक्शन करना, कलेक्शन करके बोलना। हम लोग सब कोशिश करते थे, ऐसे ही हम लोग कथा सब सीखते, ऐसे ही हम लोग बोलते बोलते गुरुदेव सबको चांस देते थे। नहीं चाहने पर भी गुरुदेव जोर जबरदस्ती चांस देते थे, बोलो कोशिश करो बोलने की। सबको गुरुदेव चांस देते थे, तभी हम लोगों ने सुना, सीख पाए। इसलिए मैं जब पहले पहले आया तो भक्तिविनोद ठाकुर का अतिथि आया, गुरुदेव ने बोले रसानंद कुछ बोलो भक्तिविनोद ठाकुर को समझ। मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा तू मेरा आदेश पालन करोगे ना, मैं तेरा आदेश में पालन करूंगा। गुरुदेव ऐसे बोले, इसलिए बोलो बोलना मतलब क्या है, उनके चरण में एक बार पुष्पांजलि देना। जब पहला बार मैंने खड़ा हुआ ना, मेरे शरीर से पसीना पसीना निकल गया। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां पर नाट मंदिर में भक्त लोग पूरा भरे हुए थे। फिर वहां पर सन्यासी ब्रह्मचारी लोग, फिर महाराज को सामने बोलना, थोड़ी सी अगर पान से चून अलग हो गए ना, झट गुरुदेव पकड़ेंगे तुमने क्या बोले हो। इतना आसानी नहीं गुरु जी के सामने बोलना, इतने आसानी नहीं था। है जब पहला दिन बोले मेरे तो शरीर एकदम पूरा, मैं कांप गया शरीर से, पसीना पसीना, लेकिन पहला दिन मैंने सांस करके कुछ बोल दिया है, बोल दिया। फिर बलदेव विद्या प्रभु का तिथि आया, तिथि आए तो गुरुदेव बोलते थे, दिन में तीन तीन चार चार बार गुरुदेव को कथा करते थे। एकदम आरती के बाद में सबको तुम बोलो तुम बोलो, अभी सवेरे हुआ, दोपहर में हुआ, शाम को जब ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को तुम बोलो तुम बोलो। और गुरुदेव का ये नियम था, पहले जो व्यक्ति एक बार बोल देगा दूसरा बार उसको रिपीटिंग नहीं करता, कोई नई बात। लेकिन बलदेव विद्याभूषण प्रभु का इतना बात है ही नहीं, जब वो गए जयपुर में कैसे शास्त्रार्थ हुआ है, बस उसको बाद में खत्म। लेकिन अभी उनको विषय पर बोलो, फिर उनका ग्रंथ जैसे सिद्धांत रत्नम ग्रंथ है, इनका अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, सिद्धांत रत्नम। फिर इनका जो वेदांत सूत्र के ऊपर में इनकी जो टीका है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उनके बारे में बोल सकते हो। दो तीन व्यक्ति खड़े कर दिया मेरे को बोले तो अब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, उसको तो रिपीटिंग नहीं कर सकते। फिर गुरुदेव मेरे को डांट लगा, मंदिर में किसी लिए आए, खाने और सोने के लिए आए हैं, वहाँ पिता माता का सेवा नहीं किया, उनको धोखा दिया, धोखा दे करके मंदिर में आया, यहाँ भी गुरु वैष्णव को धोखे दे। गुरुदेव ऐसे बोले, ऐसे सीधा बोले गुरुदेव।
सारे सिद्धांत शास्त्र को समझो, हैं? केवल मंदिर में आकर के वहां छोटी तिलक लगा दी साधनी बन जाओगे। इसलिए इस सिद्धांत तत्व को अच्छे तरह से सीखो। यही से गुरुदेव मेरे को शासन किया ना, बस एक शासन में मैं सही हो गया। इसलिए जब कोई गुरुवर्ग का तिथि आता था, मैं 10-15 दिन पहले ग्रंथ देख करके पढ़ना शुरू करता था। अगर गुरुदेव पूछेंगे तो क्या बोलो क्या बोलो। इसलिए ऐसे ही गुरुदेव ने हम लोगों को प्रिपरेशन किया है। तभी गुरुदेव ने सबको कुछ कुछ सिखाया। अभी सारा दुनिया में गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त किए थे शिष्य लोग, अभी सारा दुनिया में उन लोगों का प्रचार और प्रसार करते थे। विशेष कर गुरुदेव का एक विशेष चीज था, जब किससे मिलते थे ना, वो नहीं बोलते थे तुमने क्या खाया क्या किया, ये सब नहीं बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे भजन सही चल रहा है, कितने हरि नाम कर रहे हो, हैं? जो गुरुदेव सब बच्चे लोग बैठते बताओ भक्ति का डेफिनेशन किया है, बोलते थे। श्रद्धा का डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने किया बताया है, हैं? इसलिए गुरुदेव यही बात बोलते थे। कहीं हो बात, अगर बच्चे लोगों को देख लेंगे ना, ऐसे गुरुदेव चुपचाप नहीं बैठते थे, रूप गोस्वामी ने क्या बोला है, विश्वनाथ जी ठाकुर क्या बोला, सब राय रामानंद संवाद है, रूप शिक्षा सनातन शिक्षा कहीं होता था। गुरुदेव कभी इसी विषय को पर चर्चा करते थे। गुरुदेव जिसको देखते थे हरिनाम सही हो रहा है कि नहीं, 1,00,000 हरिनाम करो, गुरुदेव बोलते थे 1,00,000 कोशिश करो, 1,00,000 हरिनाम करने के लिए कोशिश करो, हैं? हर समय गुरुदेव जिसको देखे, इसलिए महाप्रभु बोले ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञा गुरु हया तार देश। ये महाराज भी ठीक, महाप्रभु का जो शिक्षा महाराज भी यही यही बोलते थे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो भगवान की कथा बोलो, भगवान की कथा सुनो। हर समय भजन के लिए महाराज बड़े उत्साह देते थे, इसलिए जिन जिनों का गुरुदेव चले गए, गुरुदेव चले गए, उन लोगों ने सबके सब महाराज के पास में, हैं? पावन गोस्वामी महाराज जब चले गए, उनका शिष्य लोग जब गुरुदेव चले जाते हैं, शिष्य लोग सोचते हैं ना, अभी हम किसका आश्रय ले, किसको साथ शरण में जाए। इसलिए महाराज बोलते थे कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना देखने वाला। इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं, चिंता मत करो, हम तुम लोगों को हम पालन करेंगे, हम लोग है। इसलिए गुरुदेव बड़ी सबको बड़े तसल्ली बड़े साहस देते थे सबको, हैं? बड़े साहस उत्साह सबको देते थे भजन का, सब बड़े उत्साह गुरुदेव देते थे। इसलिए इसलिए हरिकथा सबको सिखाया करते थे हरिकथा। इसलिए बोले एक समय नवद्वीप परिक्रमा जब हो रही थी, नवद्वीप परिक्रमा में जब हमारे महाराज जी चलते थे, उनको साथ में ना 50-60-100 लोग उनको पीछे पीछे चलते थे। महाराज कभी भी कहीं बाहर निकल गए, वो अकेले कहीं नहीं निकलते थे, जब चलते थे अपने आप जैसे, हैं? राजा चलने पर उनके साथ में मंत्री कटवाल उनके साथ में सबके सब उनको पीछे चलते है ना, जब महाराज चलते थे उनके साथ में भी ऐसे पूरा बदल लोग उनके साथ में चलते थे उनके साथ। इसलिए एक समय महाराज जी, उस समय महाराज धीरे धीरे विदेश प्रचार भी कर रहे थे। विदेश प्रचार करते समय गुरु जी के साथ में जब चलते थे विदेशी लोग, देशी विदेशी सबके सब, तब उन्होंने त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के पास में गए मिलने के लिए। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनका सीनियर है, उनके सीनियर गुरु भाई। इसलिए जब भी प्रचार प्रसार में देखो, हमारे नारायण गोस्वामी महाराज इनका प्रचार प्रसार बहुत तेज बड़ा। लेकिन गुरुदेव के अंदर में एक विशेष चीज था, गुरुदेव से जो थोड़ी सी सीनियर जो आए, जो थोड़ी सी पहले जो मंदिर में एक दिन भी कोई हमसे आगे कोई मंदिर में आए, एक दिन भी कोई मंदिर में आगे आए, गुरुदेव बोलते थे हर समय उनको सम्मान दो, वो हमसे सीनियर है, हैं? इसलिए नियम है जो परिक्रमा जो करते हैं, इसलिए जो सीनियर भक्त है उनको आगे आगे उनको चांस देनी चाहिए, उसको पीछे पीछे जूनियर लोगों को उनको पीछे पीछे चलनी चाहिए। इसलिए कभी कभी जब हम मथुरा में प्रसाद पाते थे नवद्वीप मठ में, कभी कभी महाराज चले जाते थे वहां पर, और आकर के महाराज देखते थे। बोले क्या देखते थे, वहां पर नियम होता था जो सीनियर लोग पहले बैठेंगे, हैं? उसको बाद में जूनियर लोग बैठेंगे, हैं? जूनियर पहले सीनियर लोग। इसलिए महाप्रभु के लिए कहते हैं मर्यादा लंघन अभी सही थे ना भरे,
जो मर्यादा का जो लंघन महाप्रभु कहते हैं मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जेजन वैष्णव चिनिया लैया आदर करीबे जब, इसलिए जो जैसे वैष्णव है उनको ठीक वैसे ही आदर करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को बड़े गुरु भाई है, इसलिए महाराज आए उनसे मिलने के लिए। जब मिलने के लिए आए तो महाराज को साथ में सारे भक्त लोग एकदम झुंड के झुंड महाराज को पीछे पीछे चले। तो महाराज आए, आकर के उन्होंने त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को साथ उन्होंने बात किया, कुछ बात बात करके। लेकिन जब महाराज गए ना तो महाराज को साथ में सबके सब महाराज साथ में चले, त्रिविक्रम महाराज पास एक भी नहीं रहे, एक भी नहीं रहे। तो वहाँ त्रिविक्रम महाराज कह रहे हैं, हम लोग वहीं पर थे, महाराज कह रहे थे, बोले देखा महाराज का प्रताप, जब महाराज आए उनको साथ में झुंड के झुंड आए, जब गए सबके सब चले गए। तब महाराज बोलते थे तुमको पता है इसका ऐसा क्यों है? बोले महाराज जी के अंदर में जो गुरु निष्ठा था, नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में उनके अंदर जो गुरु निष्ठा था ना, अद्भुत रूप में गुरु निष्ठा थी। इसलिए गुरु सेवा के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार थे, गुरु सेवा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे। इसलिए गुरु जी के चरण में उनकी निष्ठा थी। इसलिए कहते गुरु पाद पद में जा रहे भक्त निष्ठा है, जिसको जितने गुरु जी के चरण में भक्ति निष्ठा हो वो उतना ही भक्ति जगत में आगे बढ़ सकते हैं। इसे बोले जथा देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु है, तसैत कथिता जथा प्रकाशते महात्मा। तब त्रिविक्रम महाराज बोले कहते ये गुरु निष्ठा की ये फल है, गुरु निष्ठा की ये फल है। महाराज आए खाए तो सबके सब उनके साथ में सबके सब चले गए है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कहते आचार करने के ना करे प्रचार, और प्रचार करने के ना करे आचार। आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत र आर्य। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रचार नहीं करते, आचार आचरण नहीं करते, प्रचार करते। कुछ ऐसे लोग जो केवल प्रचार करते आचरण नहीं करते, कोई आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते। लेकिन कहते आचार्य किसको कहते हैं? मतलब आचिनो तिजह शास्त्रार्थे आचार्य स्थापयते अपि स्वयं आचरत जस्मात् आचार्य स्थेन कृते। इसलिए आचार्य उसको कहते हैं जो आचरण करके ही प्रचार करे। इसलिए महाराज जी को अंदर में हमने देखा दोनों चीज के दृढ़ रूप में था। गुरुदेव का इतना प्रचार प्रसार क्यों हुआ, कारण क्या है? कहते उनका जो आचरण है ना वो आचरण बड़ा दृढ़ आचरण था। राष्ट्रीय पहले पुलिस में था ना, पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए पुलिस लोग था पहले लोग तो बड़े स्ट्रिक, पुलिस में तो बड़े स्ट्रिक होते थे, बड़े स्ट्रिक नियम नियम इसलिए बस्ती भागो चलो, इसलिए वो पुलिस में थे, बड़ा निष्ठा नियम था। इसलिए जब उन्होंने भक्ति में आए ना पूरा वो निष्ठा नियम को पूरा के पूरा उन्होंने लगा दिया पूरा के पूरा है। इसलिए कोई भी महाराज अभी अभी नए नवद्वीप में एकदम नए नए नवद्वीप मठ में आए हुए थे है, किसने कोई थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कर लू और डंडे लेकर मारने के लिए दौड़ बड़े उसको, डंडे लेकर मारने के लिए उसको दौड़ बड़े है। हाँ करके भी कोई अगर उल्टा पुल्टा करे ना एकदम, अगर कोई भक्ति का विरोध काम थोड़ी सी कोई करती है अपना खड़ा उठा कर मार देते, अपना हाथ में जो डंडा रहता है डंडे से पिटाई करना शुरू कर देते। मतलब भक्ति का कोई भी प्रतिकूल चीज को कभी गुरुदेव सहन नहीं करते थे हैं, भक्ति प्रतिकूल चीज को कभी सहन नहीं करते थे महाराज। इसलिए इसलिए गुरु जी के अंदर में दो चीज, एक आचरण और एक प्रचार है। इसलिए उनको लास्ट उम्र में इतने प्रचार प्रसार कारण किया। पहले कारण है इन्होंने जो साधन भजन किया है ना बड़ा निष्ठा नियम पूर्वक उन्होंने कठोर साधन भजन किया है, कठोर साधन भजन किया, 1,00,000 हरिनाम पूरी करना है, फिर सारा दिन करना, इसलिए ग्रंथ अनुशीलन करना, भक्ति में डूबे रहना, भक्ति में एकदम से, इसलिए तभी उनका इतने प्रचार प्रचार जगत में इतना हुआ है। इसलिए जो जितने आचरण में जो जितना दृढ़ होता है प्रचार उसका उतना ही अच्छा होता है प्रचार। अगर कोई आचरण करे ही नहीं केवल प्रचार प्रचार करे तो कहते वो उत्पात का कारण हो जाता है,
है उसका प्रचार सही नहीं होता है, वो खत्म हो जाती है। जैसे अभी हमारे कोई भगवान अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, भगवान कोई भजन भजने से कोई मतलब नहीं और अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, बाद दो दिन बाद में जेल चले जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। इसलिए अगर भक्ति नहीं करे केवल उल्टा पुल्टा बोलते रहे, इसलिए फिर जगन्नाथ जी नहीं छोड़ते हैं। जगन्नाथ जी किसका अभिमान को छोड़ते नहीं किसी को। इसलिए गुरु जी के अंदर में जैसे नवद्वीप कभी उन्होंने गोवर्धन मठ में रहे, गोवर्धन में एक कठोर दिन में रोज परिक्रमा करना, गोस्वामी ग्रंथ का अनुशीलन करना। गुरुदेव बोलते थे जैसे गोस्वामी उन्हें भजन करते थे ना, मैंने ठीक वैसे कोशिश किया, गोस्वामी जैसे भजन करने के लिए हमने कोशिश किया। इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम था प्रबंध पंचक। कुछ कुछ सहजिया लोग हमारे गौड़ीय मठ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अरे ये कहाँ से सब लाल कपड़ा ले आए, गोस्वामी लोग का तो कोई लाल कपड़ा था ही नहीं, और ये त्रिदंडी कहाँ सन्यास ले आए, गोस्वामी लोग तो त्रिदंडी सन्यासी थे ही नहीं, ये त्रिदंडी सन्यासी कहाँ से ले आए। कहते इनका गुरु परंपरा ठीक नहीं है, हैं इनकी गुरु परंपरा ठीक नहीं, और ये लोग रस कथा बोलते नहीं, ये तो केवल बैदी बैदी केवल छिबड़ा चुसते छिबड़ा चुसने वाले हैं, ये तो रस कथा बोलते नहीं। ऐसे कुछ कुछ उल्टा पुल्टा इन लोग ने हमारे गौड़ीय मठ को बोल रहे थे, हैं। फिर एक समय परिक्रमा हो रही थी, ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी, तब जब छोटी परिक्रमा में चलते चलते हम राधा कुंड में आते थे, जब राधा कुंड में आए वहीं पर बैठ करके हरि कथा होता था। वहां पर गुरुदेव एकदम जितने बाबा जी लोग थे ना वहां पर सबको उन्होंने बुलाया, उन्होंने सबको उन्होंने चैलेंज दिया, तुम लोग बोलते हो हमारी गुरु परंपरा नहीं, ये लाल कपड़ा कहाँ से लाए, त्रिदंड सन्यासी कहाँ से लाए, छिबड़ा अगर किसका हिम्मत हो आ जाओ। वहां पर भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज भी थे, वहां पर मैं भी था, वहां पर बोले अगर हिम्मत हो तो आ जाओ, तुम्हारे अंदर में मैया का अगर दूध पिए हो आओ, शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाओ, हम तैयारी शास्त्रार्थ करने के लिए हम तैयारी है, किसका हिम्मत हो तो आ जाओ। गुरुदेव ने एकदम सब बाबाजियों को बीच में उन्होंने दहाड़ मार के बोले, कोई डर कुमार नहीं निकले है। सब बाबाजी लोग जब सुने है ना सब घर के अंदर घुस गए है, वहां पर जो घर था उनको छाती के ऊपर में गुरुदेव ने है एकदम उनको छाती के ऊपर खड़े होकर गुरुदेव ने बोले, वो तो हिम्मत हो तो आ जाओ लड़ाई करने के लिए है, कितने मैया कितना दूध पियो, ए सब के सब चूहे जैसे है, चूहे जैसे बिल्ली को देखकर चूहे घुस जाते हैं, सबके सब चूहे सबके सब बिल में सब सब घुस गए, कोई नहीं करने के लिए। फिर गुरुदेव ने एक ग्रंथ निकाले जिसका नाम था प्रबंध पंचक। वो ग्रंथ हो सके तो तुम लोग पढ़ना है, अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, इसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे गौरी मठ जो हम लोग ये जो कपड़ा पहनते हैं गौरी कपड़ा पहनते हैं, कभी कभी वो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, ये कपड़े लाए कहाँ से, ये त्रिदंडी सन्यासी कहाँ आया है, तुम्हारी गुरु परंपरा सही नहीं है, हैं? तुम लोग जिसको तिसको गुरु गुरु का अंतर में रख दिया, परंपरा में रख दिया। इसलिए वहां पर गुरुदेव ने विभिन्न पुराण शास्त्र से उन्होंने श्लोक को उद्धृत करते हुए ये सन्यासी परंपरा सत्य युग से है, हैं? फिर उनका नाम को ले लेकर के चार्य वैष्णव आचार्य ये सबके सब सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी इन लोगों ने थे, महाप्रभु स्वयं त्रिदंडी सन्यासी को ग्रहण किया है, महाप्रभु स्वयं ये गौरी के वस्त्र को धारण किया, वेदों में कहां कहां पर श्लोक है, हैं? प्रमाण है, ये गौरी के वस्त्र उसको उठा उठा कर उन्होंने बताए, और एक भागवत परंपरा और एक है शिष्य परंपरा, उसमें क्या फर्क है, उस चीज को उन्होंने वहां पर उद्धृत करके बहुत अच्छे तरह से उन्होंने वहां पर ग्रंथ में निकाले। जब गुरुदेव ने ये प्रथम प्रबंध पंचकम निकाले है ना, ए बाबा रे, ये बोले फ्री में बांटो, ये बाबा जी लोगों को विशेष कर देते हैं दो ये ग्रंथ को फ्री में, हे बाबा हम उस समय वृंदावन में थे, हे जब ये ग्रंथ उन्होंने पढ़े उनके अंदर में खिलबिली मच गई, नारायण महाराज ऐसे बोले सबके अंदर में खिलबिली मच गई, सबके अंदर में है। और वहां पर एक हरिनाम प्रेस है, उन लोगों ने भी कुछ बोले थे, गुरुदेव ने पूरा नाम को वहां से हैं पूरा नाम को उठा करके उन्होंने किन किन ने किया क्या विषय पर बोले, पूरा उन्होंने नाम को लेकर के सीधा उन्होंने उनको पर में गुरुदेव ने ग्रंथ में सीधा प्रहार किया,
अभी उनका अंदर में इतने खिलवे और टहलका मच गया ना, सब बाबा जी लोग बैठ करके मीटिंग किए उनका अंदर। ऐसे ऐसे नारायण महाराज ने ये ग्रंथ में ये बात हम लोग का नाम को ले लेकर बताई, इसलिए हम कुछ करनी चाहिए। लेकिन महाराज जो बताए थे शास्त्र को प्रमाण देकर, कौन शास्त्र में बताया, कौन शास्त्र में ये सब बात बताया गया है, हैं? इसलिए उन्होंने एकदम प्रमाण करके एक एक कर बोले। तब उन लोगों ने बोले आप जो उनको शास्त्र में लड़ाई करोगे, लेकिन उन्होंने तो बिना प्रमाण के कोई बात बोले ही नहीं, वो सब प्रमाण देकर के बोले ये वेद में ये बताया, उपनिषद में ये बताया, ये ग्रंथ में भागवत में ये बताया, तो प्रमाण देकर के बोले। आप जो उनको बात को खंडन करोगे शास्त्र का, तो कोई प्रमाण दोगे ना खंडन करने के लिए, शास्त्र का कोई प्रमाण देना पड़ेगा। उन्होंने तो शास्त्र का प्रमाण देकर, फिर तुम लोग बोलोगे क्या, बताओ क्या बोलोगे उनको सामने, बुलाओगे तो फिर ऐसे करते करते ना चुप होकर रहोगे, कोई बोलने का हिम्मत नहीं मिला। पूरा राधा कुंड फाटक जितने सब उधर उधर बाबा जी सबके सब खिलबिली मचा दी। उस समय मैं था रूप सनातन बैठने, हमारे पास भी कुछ बाबा जी लोग थे जिनके साथ हमारी परिचय, उड़िया लोग थे, उन्होंने बोले क्या नारायण महाराज निकले, निकाला कौन सा ग्रंथ है, और सारे बाबा जी अंदर में खिलबिली मच गया, क्या ग्रंथ है। दो तो हमने के उड़िया भक्त थे, वो पहले हरिदास समाधि में रहते थे, इसलिए परिचित था हमारे उड़िया उड़िया थे। तब मैंने उनको ग्रंथ दिया, लो फ्री में लो ग्रंथ को पढ़ो, क्या बोले हाँ वाह वाह, सुन सुन करके ना एकदम पूरा हिल गए। इसलिए उस समय में गुरुदेव जिस समय रहते थे ना, अगर कोई नारायण जैसे वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आए थे ना, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ब्रजमंडल, गौड़ मंडल और क्षेत्र मंडल है, ये तीनों मंडल में जैसे श्री गौरकिशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वैष्णव सार्वभौम, जितने वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जैसे मानी गई, जिस समय गुरुदेव थे हैं, उनका नाम में उसी समय महाराज का भी, ये तीनों मंडल में गुरुदेव का नाम विशेष पूर्वक नाम था। इनका नाम सुनते ही बोले नारायण गोस्वामी महाराज उनका शिष्य हो, नारायण गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका नाम सुनते प्रणाम करते थे, बोले उनके तुम शिष्य हो। इसलिए उनको नाम गुरुदेव का नाम बड़ा नाम था। कारण क्या, कारण है गुरुदेव भजन साधन जैसे था, उनके भजन साधन जैसे था, उनकी शास्त्र में प्रवेश वैसे था गुरुदेव को, वही अगर उल्टा पुलटा बात बोलते तो छोड़ करके बात नहीं करते थे, हैं? छोड़ कर गुरुदेव बात नहीं करते थे। इसलिए उनको जो जुगाचार जगह जो उपाधि दी गई, कहाँ पर, जहाँ पर ललिता की जहाँ पर गांव है ऊंचा गांव, वहां पर एक नारायण भट्ट है जिन्होंने ब्रजमंडल का बहुत कुछ उन लोगों ने प्रकाशित किया, ग्रंथ निकाले बहुत, वहां पर सारे ब्रजवासियों का वो गुरु जी का पीठ स्थान, गुरु पीठ स्थान, वहीं पर सारे ब्रजवासी वहीं से दीक्षा मंत्र लेते हैं, हैं? वहां पर एक स्थान, वहां पर श्री बलदेव प्रभु का स्थान, जितने सारे ब्रजवासी मिल करके वहीं पर हमारे महाराज जी को हैं उन्होंने उपाधि दिया जुगाचार्य उपाधि। इस कलियुग में जुगाचार्य मतलब ये कलियुग में एक विशेष आचार्य हुए हैं। बोले कौन है, बोले श्री भक्ति वेदांत श्रीलर नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए सब लोग मिल करके दिए, देखो क्योंकि गुरुदेव हर साल परिक्रमा करते थे ना, हर साल गुरुदेव जाते थे परिक्रमा करते थे, गुरुदेव पूरा 4 मास तक, 3 मास तक दाढ़ी रखते थे, 2 मास तक एकदम गुरुदेव ब्रजवास जैसे लगते थे, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा है, पूरा चल करके परिक्रमा, बड़ा कठोर परिश्रम साधन भजन, इसलिए गुरुदेव का बड़ा नाम था। अब जो ब्रजवासी लोग होते हैं ना, ये किसको सम्मान करने वाले नहीं, बोले जगत गुरु कौन है, बोले कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण का कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण बंद जगत गुरु, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है, बोले ब्रजवासी, जगत का गुरु तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन, बोले ब्रजवासी। बोले ठाकुर हमारे साथ में खेलते हैं, ब्रजवासी कहते हैं हमारे साथ में कृष्ण खेलते, कृष्ण का झूठा हम खाते हैं, हमारा झूठा कृष्ण खाते हैं, जगत गुरु कृष्ण, लेकिन कृष्ण का गुरु ब्रजवासी, सबका गुरु ब्रजवासी, वो किसी को मानने वाले ब्रजवासी नहीं है, बड़े अखड़ ब्रजवासी। लेकिन ये ब्रजवासी लोग मिल करके किसी को ये जुगाचार्य उपाधि में उनको विभूषित करे, ये कोई साधारण बात नहीं था, बड़ा साधारण बात नहीं था है। जो वहां पर सब लोगों ने मिलकर गुरु जी को ये उपाधि में विभूषित किया, बड़े अभिषेक हुआ वहां पर, प्रसाद हुआ, बड़ा सुंदर वहां पर प्रोग्राम हुआ था है, बड़े सुंदर में वहां पर प्रोग्राम में था, कैसे सारे ब्रजवासी
महाराज की महिमा को गुणगान कर रहे थे, गुणों गुणों कर रहे थे। और वहां पर कुछ नंदगांव के लोग, कुछ बरसाना के लोग थे, लेकिन जो बरसाना के लोग तो राधा रानी के लोग थे, और जो नंदगांव के लोग कृष्ण को खेलने वाले, उनके अंदर में ये कृष्ण राधा रानी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कृष्ण बड़े ना, राधा रानी बड़ी। और जो नंदगांव के लोग है बोले नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती है, इसलिए ब्रजवासी जैसे कृष्ण कहते हैं तेरे को अच्छा किया परमात्मा ने, लाली नहीं मिला कर लाला बना दिया। अगर लाली होता है ना पता नहीं सारा दुनिया में तेरे को पाने के लिए मर जाते लोग सब के सब। ऐसे उन लोगों ने कृष्ण की खूब महिमा बोले, और जो बरसाना का लोग थे वो राधा रानी की खूब महिमा बोले। तो बड़ी महिमा राधा रानी, दोनों का अंदर बड़े उन्होंने शास्त्रार्थ, दोनों का अंदर बड़े प्रेम कला हुआ, लेकिन लास्ट में गुरुदेव को मीमांसा करना है, लेकिन गुरुदेव तो राधा पक्षे देने वाले, राधा रानी पक्षे को लेने वाले हैं, इसलिए गुरुदेव ने बड़ी सुंदर राधा रानी की कथा सुनाई है। कथा सुना करके तब गुरुदेव ने बोला देखो ब्रज में कहीं भी जाओ सब सब लोग किसका नाम लेते हैं, ब्रज में राधा रानी का नाम लेते हैं, सबके सब राधा जी का नाम लेते हैं। नंदगांव में भी जाओ नाम लेते, कन्या का नाम लेते ना राधा जी का नाम, सबके सब जय जय श्री राधे, सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं। मेरे गुरुदेव ने राधा रानी की बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राधा रानी की महिमा सुनाई। राधा से बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंड भ्रष्ट सब गिर जाता है, मोर मुकुट गिर जाता है, और कृष्ण कभी कभी खुद गिर जाते हैं। गुरुदेव राधा रानी पक्के को लेकर बोले, लेकिन थोड़ी सी नंदगांव के लोग था थोड़ी सी नाराज हो गए, आज तो राधा जी खेलेंगे राधा जी की ले लिया है, इसलिए वहां पर जुगाचार्य की उपाधि दिए हैं। और इसलिए जैसे नवद्वीप धाम में परिक्रमा करके होता था ना, मैं कभी परिक्रमा होती थी उसते थे पूरा पूरा ब्रह्मचारी इधर उधर छलांग लगा करके आकर आकर तैयार हो जाते थे। कई प्रसाद ने उस आ गया नंदगांव कोकिला अलग अलग जगह बहुत जगह पर परिक्रमा रुकती थी, बहुत जगह पर वृंदावन 6-7 जगह पर अच्छे दर्शन कोई धर्मशाला लेते थे लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाता था। लोग क्या करते उन्होंने बोतल में पानी पेड़ को करने के लिए वृक्ष रूप जन्म लेते हैं। वृक्ष ने वो व्यक्ति को बोला भैया मैं एक साधु